तो दोस्तों, अगर आपको सच में करेला पसंद है तो इस वीडियो को आगे देखना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस करेले की रेसिपी बनाने के बाद आपको इसका टेस्ट एकदम गुलाब जामुन जैसा लगेगा। और अगर आपको करेले का टेस्ट पसंद है तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए। थोड़ी सी नई रेसिपी है, जरूर ट्राई करना। तो सबसे पहले आपको लेने हैं बहुत सारे करेले और उनको ऐसे जैसे अपन सैलड काटते हैं वैसे इनकी कटिंग कर लेनी है। इस पूरी रेसिपी में सिर्फ यही एक मेहनत वाला काम है, बाकी काफी इजी रेसिपी है। अब जब सारे करेले हमारे अच्छे से कट जावे, इनको एक डालें बाउल में और ऐड कर लेना थोड़ा सा नमक और अच्छे से एक बार मिक्स कर देना। और लगभग सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको रख देना साइड में। अब इन करेलों में काफी सारा पानी होता है तो जो नमक हम डाल रहे हैं उससे पानी निकालने में काफी आसानी होगी। ऐसे मुट्ठी में करेलों को दबाएंगे ताकि पानी इसमें से निकल जाए और एक नई भगोली में डाल देंगे। चलिए तो ये हुआ। अब इसमें लगभग एक कटोरी हमको डालना है दही। अब इन सब करेलों को मैरिनेट कर लेना है दही के साथ। तो लगभग एक कटोरी दही आपको यहाँ पे यूज होगा। अच्छे से मैरिनेट कर लिया। देखो अब एक एक करेले का पीस अच्छे से उठा के पूरी एक बड़ी थाली में जमा देना अच्छे से। अब जो थाली है इसको रख देना आपकी छत पे जहाँ पे अच्छे से धूप आती हो, सिर्फ 2 दिन के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा ही धूप आती है तो फिर 1 दिन में भी काम हो जाएगा। और बस तेल को मीडियम आंच पे रख के यार क्रिस्पी क्रिस्पी करेले के पकोड़े, करेले के चिप्स भी कह सकते हैं इनको। मैं हूँ आपका अपना हमारा कुक। और भी ऐसी कड़वी कड़वी मीठी मीठी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा कुक चैनल। और भी काफ़ी रेसिपीज़ है इस चैनल पर।